हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लर्न करेंगे एथिकल प्रिंसिपल्स इन नर्सिंग। तो एथिकल प्रिंसिपल्स आर द मोरल कोड्स दैट गाइड द बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग फॉर नर्सिंग प्रोफेशनल्स। और ये जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर द मोरल कोड्स, और ये गाइड करते हैं नर्सिंग प्रोफेशनल्स के बिहेवियर को और डिसीज़न मेकिंग को। ये एथिकल प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं। ये प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं ताकि जो नर्सिंग केयर है वो सेफली प्रोवाइड की जा सके, पेशेंट को कंपैशनेट केयर प्रोवाइड की जा सके, पेशेंट के जो राइट्स हैं, डिग्निटी है, उसकी रिस्पेक्ट की जा सके। तो ये जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, ये अलग अलग तरह के होते हैं। इनमें जो मेन एथिकल प्रिंसिपल्स जो नर्सिंग में यूज़ होते हैं वो हैं ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, फिडिलिटी, जस्टिस, नॉन मैलिफिसेंस एंड वेरेसिटी। तो फर्स्ट जो है ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब है रिस्पेक्ट फॉर एन इंडिविजुअल राइट टू मेक देयर ओन डिसीजंस। मतलब कि पेशेंट के जो राइट्स हैं या इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, ताकि वो हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो अपने आप ले सके। सेकंड है प्रिंसिपल बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस का मतलब है द क्वालिटी ऑफ डूइंग गुड। मतलब कि जो पेशेंट है उसकी हेल्थ, उसकी जो वेलबींग है, उसको प्रमोट करने के लिए जो हमेशा गुड, मतलब हमेशा अच्छा करना है, ताकि उसकी जो सेहत है और उसकी जो वेलबींग है वो प्रमोट हो सके और उसका जो हेल्थ है उसका हमेशा गुड हो सके, उसका हमेशा अच्छा हो सके। मतलब क्वालिटी नर्सिंग या क्वालिटी केयर जो है वो प्रोवाइड करनी है। थर्ड प्रिंसिपल है फिडिलिटी। फिडिलिटी मींस लॉयल्टी एंड प्रॉमिस टू एन इंडिविजुअल। मतलब जो पेशेंट है उसके लिए लॉयल होना, और पेशेंट के साथ या इंडिविजुअल के साथ अगर कोई प्रॉमिस करना है, नर्सिंग प्रोफेशन अगर प्रोफेशनल जो है वो अगर कोई प्रॉमिस करता है पेशेंट के साथ या इंडिविजुअल के साथ, तो उस प्रॉमिस को पूरा करना। तो ये है, मतलब लॉयल होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, और जो भी उसके कमिटमेंट्स हैं, जो भी प्रॉमिस है उसको पूरा करना है और उसको ऑनर करना है। दैट इज़ फिडिलिटी। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है जस्टिस। जस्टिस मीन्स फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स और ऑल द पेशेंट्स। मतलब जितने भी पेशेंट्स हैं उनको फेयर ट्रीटमेंट, सबके लिए एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए और फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, और इसमें कोई भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो जितने भी पेशेंट हैं, जितने भी मतलब जो नर्सिंग केयर रिसीव कर रहे हैं, उनको फेयरली जो है ट्रीट करना है और इक्वली ट्रीट करना है, और उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना है। दैट इज़ जस्टिस। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ नॉन मलफिसेंस। नॉन मलफिसेंस का मतलब है नेवर डूइंग हार्म टू एन इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी पेशेंट है, उसके साथ किसी भी तरह का हार्म, उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये नुकसान ना ही मतलब इंटेंशनल होना चाहिए, ना ही कोई नॉन इंटेंशनल, मतलब किसी भी तरह का नुकसान जो है पेशेंट को नहीं होना चाहिए। और नर्सिस को केयरफुली पेशेंट की जो केयर है उसको असेस करना चाहिए, और कोई भी रिस्क है उसको असेस करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि जो हम केयर दे रहे हैं, जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उससे पेशेंट को कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल है वेरेसिटी। वेरेसिटी का मतलब है
ऑनेस्टी व्हेन डीलिंग विद एन इंडिविजुअल, मतलब कि पेशेंट के लिए ट्रूथफुल होना चाहिए, पेशेंट को फैक्ट जो है वो बताने चाहिए, पेशेंट की जो भी कंडीशन है उसको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए पेशेंट को, और पेशेंट के जो फैक्ट हैं उसके लिए मतलब नर्सिंग केयर जो है वो फैक्टफुल होनी चाहिए, ट्रूथफुल होनी चाहिए और ऑनेस्ट होनी चाहिए। जब पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना है या पेशेंट की जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं या थेरेपीज हैं या पेशेंट की जो डिजीज़ कंडीशन है वो उसको ऑनेस्टली इन्फॉर्म करनी चाहिए। सो दीज आर द एथिकल प्रिंसिपल्स इन नर्सिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।